तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं फाइल के बड़े बड़े गट्टे, और उनका कहना ये होता है कि आप एक बार देख लो, इतने जगह पे हम घूमे लेकिन हमारा निदान कहीं पे नहीं हुआ, और आयुर्वेद की नाड़ी परीक्षण से उसका निदान होता है। तो ये सुपर सुपर स्पेशलिटी साइंस नहीं हुआ क्या? आपने अगर कहीं पे गए और सोनोग्राफी की, तो अगर सोनोलॉजिस्ट ने इतना ही कहा कि हाँ भाई ये है अब तू जा, और उसने कोई किसी फॉर्मेट पे लिख के नहीं दिया कि उसने सोनोग्राफी में क्या क्या ढूंढा है, आप 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि उसने केवल बताया क्या क्या मिला है ये। तो उसी प्रकार से आप केवल नाड़ी परीक्षण करेंगे और लिख के नहीं देंगे कि उसमें क्या क्या है, तो उसको उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। और नाड़ी तरंगिणी एक टूल ऐसा है कि हम नाड़ी परीक्षा कर भी सकते हैं, उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, और उसका एक प्रिंट आउट भी रोगी को दे सकते हैं। नाड़ी तरंगिनी डिवाइस है, ये क्या कर रहा है कि हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं रहती कि मैंने लास्ट ईयर इस रोगी की नाड़ी परीक्षा की थी तो वो कैसी है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आपके हर एक संवेदना को वो ग्राफिकल फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है। हर एक वैद्य क्या कर सकता है कि नाड़ी का पैटर्न और उनके पास जो आ रहे हैं पेशेंट्स उनका पैटर्न, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी है वो देख सकता है। जब हमने 45 to 50 days इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया और देखा, आज डिवाइस इस लेवल पे है कि अगर 10 पॉइंट्स हम क्लिनिक में देखते हैं मैन्युअली नाड़ी परीक्षण करके, और फिर वही 10 पॉइंट्स हम नाड़ी परीक्षण के डिवाइस के जरिए नाड़ी तरंगिणी से करते हैं, तो 80% एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। 8-10 साल से अनिरुद्ध जोशी सर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर उसमें कुछ हमने इनपुट्स दिए, बहुत से वैद्यों के भी इनपुट्स अनिरुद्ध सर ने ले लिए, और सबको कंफर्टेबल लगे, सबको अच्छी तरीके से वो हैंडल करने में आसानी रहे। वन ऑफ द हैंडी एंड बेस्ट टूल है जो हमें, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी उसके साथ से हम नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं। बहुत कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, यानी अगर मेरे क्लिनिक में मैं अलग ही 10 चीज़ें देख रहा हूँ तो बस मैं वो एडिट करके उसमें डाल सकता हूँ, वो चीज़ें मैं देख लूँगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो दिया है जो है वही हमें फॉलो करना है, हम अपना खुद का भी उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इसके हिसाब से रोटेट होता है। इसलिए बच्चों को भी हमेशा ऐसे सिखाया जाता था कि थाउजेंड्स ऑफ नाड़ी देखे बिना आप नाड़ी नहीं सीख सकते। आज हमारा स्टाफ नाड़ी परीक्षण करने को सीख रहा है डिवाइस के साथ में, अगर वो डिवाइस लगा रहा है 10 मिनट उसको अगर ट्रेनिंग दे दिया तो नाड़ी परीक्षण आ रहा है। धीरे धीरे हम उसको सीख गए तो वो बहुत इजी जाने लगा, और पेशेंट को भी फिर वो इजी लगने लगा। 5 मिनट अब हमारे स्टूडेंट्स भी ये करते हैं, मुझे तो उसमें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे स्टूडेंट ही अगर बता दिया तो 5 मिनट में वो नाड़ी परीक्षण करके वो लाते हैं। लेकिन अगर हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, अपना क्लिनिक भी छोड़ के जा रहे हैं, नाड़ी तरंगिणी काफ़ी अच्छा टूल है जो हम अनुपस्थित रहने के बाद भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Visit www.naditarangini.com to see a demo or attend a conference.